अब तुम भी संतु टैमर और बाबर ये दो चीजें कभी किसी को रोके रुकी है आज तक। सूरज भी जो ना बादल को ढक ले हुए है, जय तो छोटो है, अरे हम उसे प्यार नहीं दिलोगे तो और कौन देगा। मैं मानू है कि वो बदमाश है, लेकिन लेकिन अब तो ठीक है ना, इतनी सख्ती करना ठीक नहीं उस पर। संतो मेरी बात नहीं अच्छी, देख अपने को सब कुछ हमारे पास, क्या कमी है जो हम उसे अभी अभी गले पर बैठा दे। रेणुचंद महाराज की इतनी कृपा है हम लोगों पर कि दो आना लेके सो ना, दो आना तो सवेरे उठो तो 12 होने मेरे हाथ में होने। फिर बेचारे जय पर क्यों बोझ डाले, तू एक मेरी बात समझ, इतने ताने ना मारा कर उसे। अरे इतने पढ़ाई के लिए जो बार बार तू ताने मारती है किस लिए, हमें इसे क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, ये सब नहीं बनाना था हमको, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। अरे ठीक हो जाएगा, गले पर बैठा देंगे। देख मेरी बात सुन, मेरी बात समझ, कोई कमी नहीं इसमें, ये बहुत अच्छा बच्चा है। और देख एक बात सुन ले, मैं एक बात सोच के तुम कह रहा हूं, ये जो जय है ना, ये अपनी मूंछ के जो बाल है ना उसके ढोल होने तक ना अपने दुकान के शटर कभी ऊंचा नहीं करेगा। देख गिनती उसे आती है, और एक व्यापारी को और क्या चाहिए, एक व्यापारी को क्या चाहिए। देख भगवान तू एकदम चिंता न कर, अब देख अपनी जिंदगी के 4 दिन बचे हैं, राम का नाम ले और घी खा, समझ गए, चिंता न कर भगवान, चल रहे साहब।